अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मजर नकवी। आप देख रहे हैं मजर नकवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में छोटा सा मैसेज मेरा ये है कि आप अगर 3D की दुनिया से वाबस्ता हैं, 3D की दुनिया से आप रिलेट करते हैं, ये 3D विजुलाइजर हैं, आर्टिस्ट हैं, आप रिगिंग का काम करते हैं या आर्किटेक्चर का काम करते हैं, तो जब आप किसी को रेंडर सेंड करते हैं तो रेंडर सेंड करते वक्त आप ये इंश्योर कर लिया करें कि रेंडर जो है वो व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जाए। वो इसलिए क्योंकि जब आप रेंडर सेंड करते हैं तो अक्सर आगे से ये जवाब आता है कि यार हमें रेंडर समझ में नहीं आ रहा, या रेंडर के अंदर प्रॉब्लम है, या रेजोल्यूशन समझ में नहीं आ रही, हमें मटेरियल समझ में नहीं आ रहे, हमें जो है उसकी मटेरियल की रेजोल्यूशन समझ में नहीं आ रही। यानी ओवरऑल अगर मैं कहूं आपसे एक ही जुमले के अंदर, तो क्लाइंट अक्सर आपसे ये बात करता है कि यार हमें रेंडर समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जब आप व्हाट्सएप पे चले ईमेल की सूरत में तो अगर आप करते हैं तो बात ठीक है, उनकी समझ में आ जाएगा। और 100% के ऊपर रख के देखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप रेजोल्यूशन बढ़ा के उनको अगेन ईमेल पे करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप व्हाट्सएप के ऊपर रेंडर शेयर करते हैं तो उसके अंदर एक काम होता है, वो ये कि उसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो माइनस हो जाती है या कम हो जाती है बहुत से केसेस में। तो जब भी आपने किसी को रेंडर सेंड करना है तो वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में करना है। अगर आपको पता है कि व्हाट्सएप के ऊपर डॉक्यूमेंट की सूरत में रेंडर सेंड कैसे करते हैं तो गुड है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट की सूरत में कैसे सेंड किया जाता है तो मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर चलिए दिखाता हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर रेंडर हमें डॉक्यूमेंट्स की सूरत में कैसे सेंड करना है। ये आपके आने वाले वक्त के अंदर बहुत बेसिक चीज है और बहुत बुनियादी चीज है और बहुत जरूरी चीज है। अगर आप 3D की दुनिया से रिलेट करते हैं, अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप मार्केट के अंदर इन होना चाहते हैं या इन होने का सोच रहे हैं, आप अच्छी अर्निंग करने का सोच रहे हैं कि मैं कुछ कमा पाऊं और अपने घर गृहस्थी चला पाऊं, या इसके अलावा मैं अगर कमा के मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करूं, मैं अपनी आयाशी को पूरा करूं, तो ये चैनल आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, काफी अच्छा साबित हो सकता है कि आप काफी कुछ इस चैनल से सीख सकते हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं। अगर नहीं भी आना चाहते तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो उस मामले में कि आपका हो सकता है कि मूड बन जाए, इधर उधर भटकने से बेहतर है, किसी कंपनी के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर धक्के खाने से बेहतर है कि आप स्मार्ट वर्क करें। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास सोचने की सलाहियत है, आप समझ सकते हैं कंप्यूटर को, थोड़ा सा भी कंप्यूटर आप चलाना जानते हैं, तो यानी आप यकीन करें कि आप रेंडरिंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करते और मैं आपको दिखाता हूं कि अगर किसी को नहीं पता कि डॉक्यूमेंट की सूरत में कैसे जाता है, इसके मैं आपको दो या तीन तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो ये कि डॉक्यूमेंट की सूरत में कैसे सेंड किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर कंबाइंड रेंडर कर लिया है तो उसको रार के अंदर सेव करें, और रार के अंदर सेव करने के बाद पूरी की पूरी ड्रैग एंड ड्रॉप रार कर दें और वो आपके क्लाइंट के पास पहुंच जाएगी। जैसे ही वो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उनके पास ओरिजिनल रेजोल्यूशन के अंदर जो रेंडर होगा वो सामने आ जाएगा।